हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी, वेलकमिंग यू ऑन श्रीराम ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हमारे सेट 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है वो है सेट 8 का पार्ट 1। आपको जैसे कि पता है, हम एक सेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपके 1 से लेके 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा आज का सेट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पैसेज दिया हुआ है, इसको फटाफट से रीड करेंगे और इसका मतलब समझेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन पहले फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन को दिमाग में रखना और उनके मीनिंग आप पैसेज में जब पढ़ो ना पैसेज को, तब उनके जो आंसर्स हैं वो आप देखते हुए चलना। तो देखना, टैगोर कंपेयर्ड एजुकेशनल पॉलिटिक्स विद, टैगोर ने तुलना की है, कंपेयर मतलब तुलना करना, किसकी? एजुकेशनल पॉलिटिक्स। एजुकेशनल पॉलिटिक्स मतलब, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा है, टैगोर कंपेयर्ड एजुकेशनल पॉलिटिक्स विद, टैगोर ने तुलना की है आंदोलनात्मक पॉलिटिक्स की, जो राजनीति है, उसकी किस चीज़ के साथ में। तो पैसेज में पढ़ के देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू टैगोर हिज कंट्री मैन हैड बिकम कॉलोनियल सब्जेक्ट बिकॉज, कि अगर हम टैगोर के अनुसार देखें तो क्या है, उनके जो कंट्री मैन थे, उनके जो देश के लोग थे, हैड बिकम, वो कॉलोनियल सब्जेक्ट बने, मतलब कि वो किसी के अधीन हुए। तो क्यों हुए, उसका कारण टैगोर के अनुसार क्या था। थर्ड क्वेश्चन है, बाई लीक्स इन योर ओन वेसल, तुम्हारे खुद के वेसल में ही, वेसल मतलब कोई आपका, वेसल मतलब एक तो होता है आपका जार, जैसे कि आप अपने किचन में यूज़ करते हो, दूसरा शिप के लिए, जहाज के लिए भी वेसल वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसा कोई वाहन जिसके अंदर आप बैठे हो उसको भी वेसल बोला जाता है, और जो खास करके पानी पर चलता हो। तो बाई लीक्स इन योर ओन वेसल, कि आपके खुद के वेसल में जो पानी पर आपका जो भी जहाज वगैरह चल रहा है उसमें खुद में क्या है, लीक है, उसमें खुद में कोई छेद वगैरह है, इस बात से टैगोर का क्या मतलब था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, टैगोर हैड ए फियर ऑफ, टैगोर को किस बात का डर था, किस बात का फियर था। तो बच्चों ये चार क्वेश्चन हैं। अब फटाफट से हम देखते हैं हमारा पैसेज। तो बच्चों पैसेज आपको ये तो समझ में आ गया, टैगोर के बारे में है। टैगोर आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के फर्स्ट पर्सन है जिनको नोबल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट नोबल लॉरेट है। तो देखना पैसेज क्या है, टैगोर हैड ए वेरी हेल्दी कॉन्टेम्प्ट फॉर मियर एजुकेशनल पॉलिटिक्स। टैगोर क्या रखते थे, टैगोर रखते थे एक हेल्दी कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट क्या होता है, निंदा, और हेल्दी निंदा मतलब एक तो होता है मन में द्वेष रखना, और एक होता है आप किसी की कमियां गिनाते हो उसकी भलाई सोचते हुए, तो उसको बोलते हैं हेल्दी कंटेम्प्ट। फॉर मियर एजुकेशनल पॉलिटिक्स, फॉर मतलब के लिए, मियर मतलब केवल, सिवाय वाला सेंस है, ओनली का सेंस है, एजुकेशनल मतलब आंदोलनात्मक, आंदोलनात्मक मतलब ऐसी राजनीति जो केवल आंदोलन से ही संबंध रखती हो, उसकी टैगोर क्या करते थे, निंदा करते थे। विच ही लिंक्ड, विच ही यहाँ पे लिंक्ड होगा बच्चों, इस आंदोलनात्मक जो राजनीति है उन्होंने, टैगोर ने उसको लिंक किया है किससे, टू एन इंजन, इस तरह के एक इंजन से, विच कंटिन्यूली विसल्स, जो लगातार विसल करता है, आवाज़ शोर करता है, एंड थ्रोज आउट कॉलम ऑफ स्मोक, और केवल धुआं छोड़ता है, विदाउट इवन मूविंग, ये इवन है, एवर नहीं है, विदाउट इवन मूविंग, केवल वो मूव, मतलब विदाउट इवन मूविंग मतलब थोड़ा सा भी हिलता डुलता नहीं है, बस शोर करता है और धुआं उसमें से निकलता है, इस तरह का इंजन कहा है किसको, आंदोलनात्मक राजनीति को, किसने कहा, टैगोर ने कहा। टू द पायलट ऑफ इंडिया शिप, जो इंडिया को एक शिप की तरह उन्होंने माना, और उसके पायलट जो मतलब जो आपके जो नेता हैं उनके बारे में, जो उस देश के लोग हैं उनको बोला। टू द पायलट ऑफ इंडिया शिप ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी क्या होता है, डेस्टिनी होता है भाग्य। हिज एडवाइस, उनके एडवाइस क्या थे लोगों के लिए, हिज एडवाइस वॉज फियर नॉट द वेव्स ऑफ द सी, कि आप डरो मत, किससे, समुद्र में आने वाली जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, उनसे मत डरो, बट माइंड द लीक्स इन योर ओन वेसल, जबकि ध्यान रखो किसका, कि आपके वेसल में ही कहीं लीक तो नहीं है, छेद तो नहीं है। इफ़ वी बिकम ए सब्जेक्ट पीपल, देखो बच्चों आपको अभी, आई होप आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ मिल गए होंगे। नेक्स्ट देखना, इफ़ वी बिकम ए सब्जेक्ट पीपल, अगर हम अधीन लोग हुए हैं, सब्जेक्ट पीपल मतलब किसी के अधीन हुए हैं, इट वॉज नॉट बिकॉज द ब्रिटिश वर विक्ड विकिड,
ये इसलिए नहीं था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, विकेट क्या होता है, चतुर चालाक, बट लेकिन बिकॉज वी वर वीकलिंग्स, वो इसलिए था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, मानसिक रूप से हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इसलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें अपने अधीन कर पाए, ये टैगोर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। वी हैड सीज टू बिलीव इन आर सेल्फ, हमने क्या कर दिया, सीज टू मतलब किसी चीज़ को मना कर दिया, मना करना, क्या मना कर दिया, कि हम अपने आप में ही विश्वास नहीं रखते। वी सीज टू बिलीव इन आर सेल्फ, हमने खुद पर ही विश्वास जो रखना होता है उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, इंस्टेड ऑफ बच्चों प्रीपोजिशन है और यहाँ पे ध्यान रखना इंस्टेड के साथ में हमेशा ऑफ आता है। नेक्स्ट देखना, इंस्टेड ऑफ टेपिंग द सोर्स ऑफ आर ओन पावर, खुद की शक्तियों को समझने की बजाय, महसूस करने की बजाय, वी वर कंटेंट टू पिक रेक्स फ्रॉम अदर पीपल डस्टबिन, हम क्या थे, संतुष्ट थे। वी वर कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, किस चीज़ में संतुष्ट होना, टू पिकअप, पिकअप मतलब उठाना, रेग्स मतलब कचरा, फ्रॉम अदर्स पीपल डस्टबिन, दूसरों लोगों के डस्टबिन में से कचरा उठाने में हम क्या थे, कंटेंट थे, खुश थे, संतुष्ट थे। अनलाइक गांधी, अनलाइक गांधी मतलब गांधी के विचारों से हटके या गांधी के विपरीत, अनलाइक मतलब होता है के विपरीत, के विपरीत, और किसके विपरीत, गांधी के विपरीत, टैगोर बिलीव, टैगोर विश्वास करते थे इन द पावर एंड रिसोर्स ऑफ साइंस, वो साइंस में विश्वास करते थे, मतलब गांधी जी उतना नहीं करते थे बट टैगोर करते थे। दो ही ड्रीडेड, यद्यपि उनको भय था, ड्रीडेड मतलब भय, डर किसी चीज़ का, ठीक है, उनको भय था, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैन बिकमिंग द स्लेव ऑफ मशीन्स इंस्टेड ऑफ मशीन बींग द स्लेव ऑफ मैन, उनको क्या डर था कि जो आदमी है वो मशीन का गुलाम हो जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए, मशीनों को इंसान का गुलाम होना चाहिए, लेकिन उनको भय था कि कहीं इंसान खुद ही भी, साइंस प्रगति कर रहा है तो मशीनें डेवलप हो रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इंसान है ये मशीनों का ही गुलाम हो जाए। इन फैक्ट ही ड्रीडेड, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, ही ड्रीडेड मतलब उनको भय था, एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर, हर तरीके की ऑर्गेनाइज्ड पावर का, जो कि वेदर सोशल पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, ऐसी पावर जो इग्नोर करे, मतलब जो इग्नोर मतलब किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर देना, किसी चीज़ को नकार देना, किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो इग्नोर करे ह्यूमन वैल्यूज़ को, एंड टेंडेंट टू स्टीफल द पर्सनैलिटी ऑफ मैन, और जो आदमी की पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको दबाने की कोशिश करे, स्टीफल मतलब दबाना, इस तरह की हर चीज़ों से क्या था टैगोर को, क्या था, ड्रीडेड थे वो, उनको भय था। तो देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, पूछा गया था कि टैगोर को किस चीज़ से डर था। नेक्स्ट देखना, दो आउटसाइड इंडिया, यद्यपि इंडिया के बाहर, टैगोर अपहेल्ड एंड इंटरप्रेटेड द इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इंडिया के बाहर टैगोर ने अपहेल्ड किया मतलब इस चीज़ को माना, और इंटरप्रेट करना मतलब लोगों को समझाया, द इंडियन फिलॉसफी, इंडियन दर्शन शास्त्र जो है, फिलॉसफी क्या होता है, दर्शन शास्त्र ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में, इन हिज ओन कंट्री, लेकिन खुद की कंट्री में, ही वॉज सीवियरेस्ट क्रिटिक ऑफ इट्स सोशल इंस्टीट्यूशन, लेकिन खुद की कंट्री में वो सीवियरेस्ट क्रिटिक थे, मतलब बहुत अधिक निंदा करते थे, किस चीज़ की, अपनी कंट्री के सोशल इंस्टीट्यूशन की, जो सोसाइटी अलग अलग सेक्शन में बटी हुई थी, अलग अलग रीजन में बटी हुई थी, अलग अलग धर्म को लेके बटी हुई थी, उसकी वो बहुत ज़्यादा निंदा करते थे। तो यहाँ पे क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच इनकरेज, ऐसे सोशल प्रैक्टिस और ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिस, ऐसी कोई धार्मिक जो भी आपके कर्मकांड होते हैं आप उसको ले सकते हो, जो इनकरेज करती है मतलब बढ़ावा देती हैं, किस चीज़ को, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन क्या होता है, अंधविश्वास, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, तो अंधविश्वास को, एंड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब असमानता, असमानता को, एंड टॉलरेटेड और बर्दाश्त करती है, किसको, इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय।
तो जो क्या करती है, बढ़ावा देती है अंधविश्वास को, असमानता को और जो अन्याय को सहना सिखाती है, इस तरह की हर चीज़ों के वो क्या थे, सीवियरेस्ट क्रिटिक थे, बहुत कड़ी निंदा करने वाले थे। तो आई होप बच्चों आपको पैसेज तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि टैगोर ने आंदोलनात्मक जो राजनीति है उसकी तुलना किससे की है। तो इस तरह की इंजन से की थी, आपको याद होगा, आपको सेकंड थर्ड लाइन में ही था, इस तरह का इंजन जो केवल धुआं निकालता है, मूव नहीं करता, चलता नहीं है। तो देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इंजन, सी ऑप्शन देखना, एन इंजन दैट विसल, विसल मतलब जो केवल सीटी बजाता है, जिसमें केवल आवाज़ आती है, लेट आउट स्मोक, जिसमें से धुआं निकलता है, बट रिमेन स्टेशनरी, लेकिन वो वहीं का वहीं बना रहता है, स्टेशनरी बना, स्टेशनरी मतलब जो चीज़ मूव नहीं करती वो है स्टेशनरी। बच्चों स्टेशनरी एक और होती है जिससे आप अपनी कॉपी पेन बुक सब खरीद के लाते हैं ना, उस शॉप को स्टेशनरी बोलते हैं। उसका स्पेलिंग देखना, NERY होता है, और ये जो स्थिर है, जिसका मतलब स्थिर है, ये यहाँ पे NARY होता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अनुसार हिज कंट्री मैन हैड बिकम कॉलोनियल सब्जेक्ट, उसके जो देश के लोग गुलाम क्यों बने, क्यों बने, क्योंकि उन्होंने खुद में विश्वास करना छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखना बच्चों, बी ऑप्शन में क्या दिया है, दे लैग्ड सेल्फ बिलीव, लैग्ड मतलब कि किसी चीज़ में विश्वास को हटा देना, किस चीज़ में, सेल्फ बिलीव, खुद पर उनका विश्वास क्या हो गया, कम हो गया या ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट देखना थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है बाई लीक्स इन योर ओन वेसल, कि आपके खुद के वेसल में ही, आपके खुद की शिप में ही क्या है, छेद है, लीक है। इससे टैगोर का क्या मतलब था, इससे टैगोर का मतलब था इनहेरेंट वीकनेस, ऐसी वीकनेस जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रही है। एक पीढ़ी अपने आप को कमज़ोर मानते, सोचते हैं नहीं ये तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और आने वाली जनरेशन भी ठीक वैसा ही सोचती है, इसको बोलते हैं इनहेरेंट वीकनेस हो गया। बाकी बच्चों कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ना ही तो आपको डाउट होना चाहिए और ना ही सही है। नेक्स्ट है टैगोर हैड ए फियर ऑफ, टैगोर को किस बात का डर था, तो यहाँ पे देखना बच्चों आपका जो ए ऑप्शन है उसको एक बार रीड करो, क्या दिया है, एनी पावर, ऐसी कोई भी पावर जो इग्नोर करे ह्यूमन वैल्यू को, और क्या करे, स्टीफल मेंस पर्सनैलिटी, और जो आदमी की पर्सनैलिटी उसको स्टीफल करे, स्टीफल मतलब पहले भी बताया, दोबारा बता देती हूँ, दबाना, किसी आदमी के व्यक्तित्व को दबा दे, इस तरह की हर पावर से टैगोर को क्या था, डर था। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन अच्छे से हो गए होंगे। बच्चों इस बार जानबूझ के मैंने आपको पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया, आपको पढ़ने में बहुत सारे मीनिंग नहीं आए होंगे, यहाँ पे जो इंग्लिश मीनिंग थे वो काफ़ी नए थे, अच्छे थे। बच्चों इस तरह का पैसेज भी आ सकता है, मैं जानबूझ के यहाँ पे आपको टफ पेपर करवा रही हूँ, जिससे पेपर आपको वहाँ पे जब आप देने जाएँ तो आपको इजी लगे। मेरा टारगेट यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको इजी क्वेश्चन बता दूँ और एग्ज़ाम में आपको जाके कुछ ऐसा मिले जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। यहाँ पे मैं आपको हर तरीके से हर लेवल के क्वेश्चन करवाती हूँ, जिससे कि आपको हर लेवल का आइडिया रहे, और वहाँ पे कैसा भी लेवल आए तो आपको तो फैमिलियर सा लगे, जाना पहचाना लगे। यहाँ पे बच्चों मियर एक जो मेरा बताने का इस पैसेज को जो टारगेट था वो ये था, भले ही हर एक वर्ड का मतलब ना पता हो, लेकिन पैसेज को फटाफट ऊपर से नीचे रीड करना, पहले क्वेश्चन रीड करना, इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन रीड करने से पहले ही थोड़ा आइडिया लग जाएगा पैसेज किस बारे में है, और एक बार रीड करोगे तो थोड़ा सा और समझ डेवलप हो जाएगी। तो कम से कम ये चार क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से, ये यहाँ के ये नंबर तो आप आराम से ले सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखना बच्चों, फिल इन द ब्लैंक है, क्या दिया है, शी हैज़ ओनली ब्लैंक फ्रेंड्स, उसके केवल क्या है, ओनली फ्यू फ्रेंड्स, केवल नामात्र दोस्त हैं, मतलब बहुत कम दोस्त हैं, मतलब कि है ही नहीं लगभग, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो बच्चों ओनली के बाद में ये जो फ्रेंड्स है ये आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है, आप ये गिन सकते हो ना, एक दोस्त है, दो दोस्त है, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यू, ए फ्यू, और आपका द फ्यू। अब यहाँ पे मैंने बोला काउंटेबल नाउन के लिए, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कुछ और चीज़ होती होगी, पहले ही बताया है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज़ होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन आए हैं मैं उनको डिस्कस करूँगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि काउंटेबल से पहले फ्यू, अनकाउंटेबल से पहले लिटिल यूज़ करो, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही लिटिल और फ्यू, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव हैं बच्चों, लेकिन आप यहाँ पे डिफरेंस समझें जो ऑप्शन में क्या आया है,
फ्यूअर लेस मोर और ए फ्यू, तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं केवल कुछ ना मात्र ही दोस्त हैं। तो ओनली के बाद में बच्चों हमेशा क्या लेना, फ्यू लेना, अगर अगर उसके बाद में आने वाला नाउन काउंटेबल है तो ओनली के साथ फ्यू, और फ्यू का मतलब क्या होता है, ना मात्र, ना मात्र, ठीक है। अच्छा ए फ्यू भी ऑप्शन में आया है, इसका मतलब भी यहाँ बता देती हूँ, मतलब कुछ, ना मात्र से थोड़ा ज़्यादा, ना मात्र से थोड़ा ज़्यादा क्या होता है, ए फ्यू होता है। अच्छा बाकी बाकी चीज़ों को भी देखते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों बाकी चीज़ यहाँ पे क्या दी हुई है, फ्यूअर देखना बच्चों, फ्यूअर फर्स्ट ऑप्शन है। फ्यूअर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, किस चीज़ की कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों, ये आपकी फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो तो फ्यूअर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीता हैज़ फ्यूअर फ्रेंड्स देन गीता, कि गीता के कंपेयर में, गीता की तुलना में सीता के दोस्त कम है, ये बोलना है। तो कंपैरिजन है किस में, सीता और गीता के दोस्तों में, उसके नंबर में। देन गीताज फ्रेंड, ऐसे लिखो, देन गीताज, गीता ही ठीक है, देन गीता। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री है, ई आर कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, और कंपैरेटिव डिग्री में आप देन का यूज़ करते हो, टी एच ए एन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है इसमें किसी का कंपैरिजन है क्या, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा यूज़ होती है जब दो चीज़ों का या दो पर्सन का कंपैरिजन हो, यहाँ पे कोई कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं हो रही है, इसलिए फ्यूअर नहीं आएगा। और यहाँ पे नंबर में कम बोलना है, इसलिए आपने क्या लिया है, यहाँ पे आपने क्या लिया, अच्छा फ्यू ऑप्शन में ही नहीं है क्या, ही हैज़ ओनली फ्यू फ्रेंड्स होना चाहिए, ओके। तो बच्चों ये लेस की जगह आप फ्यू करो, फ्यू करो, ठीक है, और आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लेस की जगह फ्यू करो। अच्छा शी हैज़ ओनली मोर फ्रेंड्स, ओनली ये बात को बता रहा है कि बिल्कुल नामात्र दोस्त हैं उसके, इसलिए ओनली यूज़ किया है। अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तो मोर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे ओनली है इसलिए मोर नहीं आएगा। और ए फ्यू मतलब, ए फ्यू मतलब कुछ होता है। अब यहाँ पे आ फ्यू और ए फ्यू का डिफरेंस एक बार समझना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको दो सेंटेंस लिख रही हूँ, वो दो सेंटेंस कौन कौन से हैं एक बार उनको देखो, फ्यू और ए फ्यू का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्यू और ए फ्यू के डिफरेंस को समझने की कोशिश। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से मैं इसको आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखिएगा, ओनली फ्यू मेंबर केम टू द मीटिंग सो वी कैंसिल्ड इट। मेंबर्स केम टू द मीटिंग so we conducted it। देखो क्या बोलना चाह रहा है, फर्स्ट देखना कि only blank members came to the meeting so we cancelled it, और second क्या है, blank members came to the meeting so we conducted it, कि भाई एक बार बोलना है हमें कि बिल्कुल नामात्र आपके क्या है, मेंबर्स आए, इसलिए नामात्र आए इसलिए हमें मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। दूसरे में क्या बोलना चाह रहा है कि कुछ मेंबर आए, कम आए लेकिन कुछ तो आए, ठीक है, इसलिए हमने मीटिंग कंडक्ट करवाई। मान लो एक मीटिंग के लिए ज़रूरत थी आपके 200 लोगों की, 200 मिनिमम लोगों की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन एक दो ही आए, तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलोगे बच्चों आप फ्यू, ठीक है, कि बिल्कुल आपके क्या आए, नामात्र, नामात्र लोग आए इसलिए मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी।
अब सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आपका नामात्र का सेंस है या कुछ का सेंस है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि आपकी जो मीटिंग है उसके अंदर नामात्र मेंबर आए, सदस्य आए, इसलिए हमें मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। तो नामात्र के सेंस के लिए आप क्या लेंगे? फ्यू लेंगे। लेकिन हमें बोलना है कि कुछ लोग तो आए, ठीक है। जैसे कि 200 आपका जो मिनिमम स्ट्रेंथ था, अब मान लो कि आए थे आपके 100 ही, तो कुछ तो आए, ठीक है, कम से कम कुछ तो आए। तो यहाँ पे कुछ आए इसलिए हमने मीटिंग कंडक्ट करी। तो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा कि किसका सेंस है, फ्यू का सेंस है कि ए फ्यू का सेंस है। और ये ओनली के बाद में हमेशा क्या लेना है? फ्यू लेना है। बच्चों ध्यान रखना, ओनली के बाद में ए फ्यू कभी भी नहीं। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हाउ डिड दीज थिंग्स कम? तो यहाँ पे क्या बोला है, एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज की है बच्चों। वो फ्रेजल वर्ब क्या है? वो फ्रेजल वर्ब है आपका कम अबाउट। कम अबाउट, कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, या फिर हैपन जिसको आप बोलते हो ना, घटित होना, हैपन। मतलब ये चीज़ें कैसे हो गई, ये पूछना चाह रहा है। हाउ डिड दीज थिंग्स कम अबाउट, ये चीज़ कैसे हो गई, ये बोलना है। तो घटित होने के लिए कम अबाउट लेना है। फ्रेजल वर्ब आपको पता है, वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लग के नई वर्ब बन जाती है, उसका नया ही मीनिंग आ जाता है। उस नई वर्ब को आप क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम अबाउट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, कम इनटू क्या होता है? कम इनटू मतलब अचानक सामने आना होता है, या फिर कभी कभी कम इनटू के लिए एक और आपका मीनिंग निकलता है, वो है अचानक पैसा मिलना। अचानक पैसे मिलना, प्रॉपर्टी का इनहेरिट होना, ये भी क्या होता है? कम इनटू होता है। और कम एट क्या होता है? किसी पर अटैक होना, किसी पर अटैक होना, ठीक है, वो क्या होता है? कम एट। ये दोनों ही बच्चों क्या है? फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब आपके क्वेश्चन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है याद करनी। हमें हर वर्ब के साथ साथ अलग अलग प्रीपोजिशन और एडवर्ब लग के इसके अलग अलग मीनिंग याद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो कम अबाउट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेवेंथ क्या है? द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट ब्लैंक द वर्क डन बाई अस, कि जो हमें रिवॉर्ड मिला वो किस अनुपात में नहीं था, जैसे हमने काम किया था ना वैसा नहीं था। मतलब हमने काम बहुत अच्छा किया लेकिन रिवॉर्ड उसका उसके कंपेयर में हमें अच्छा नहीं मिला। तो कमेंसुरेट मतलब होता है के अनुपात में या किसी चीज़ की तुलना में। तो यहाँ पे पहले मीनिंग देखना। तो कमेंसुरेट मतलब के अनुपात में, किसी रेशियो में, या फिर किसी की तुलना में, किसी की तुलना में, कि हमें जो रिवॉर्ड मिला वो जो हमने काम किया उसके तुलना में क्या नहीं था, अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे कमेंसुरेट बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और कमेंसुरेट हमेशा अपने बाद में फिक्स प्रीपोजिशन विद लेता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तो देखना आपके सी ऑप्शन में विद लिया है, बाकी कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं बैठेगी। कमेंसुरेट के साथ हमेशा आपको विद प्रीपोजिशन लेना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका एट्थ क्वेश्चन है वो क्या है? हैड आई सेव मनी आई ब्लैंक न्यू कार। तो यहाँ पे देखना बच्चों, पहले तो आप इसको सही करो। हैड आई सेव्ड आएगा यहाँ पे टाइपिंग एरर है। क्या है? हैड आई सेव्ड, एस ए वी ई डी आएगा, ठीक है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन गया बच्चों? आपका बना पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस है बच्चों। मैंने क्या बोला? पास्ट परफेक्ट का क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पे कंडीशनल कंजंक्शन तो है ही नहीं, इफ़ तो कहीं बोला ही नहीं गया। तो बच्चों जब भी आपका पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल हो और हेड आपका स्टार्टिंग में आ जाए, तो ये हेड इफ़ की तरह ही बिहेव करता है। इस हेड का मतलब यदि ही निकलता है। लेकिन आप यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना
कि हैड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, आई से पहले, तो ये तो इंटरोगेटिव पैटर्न हो गया बच्चों। अगर ये इंटरोगेटिव पैटर्न होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, क्या कहीं सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये कंडीशनल है। क्या बोलना चाह रहा है? हैड आई सेव्ड मनी, यदि मैंने मनी सेव की होती तो, मनी सेव की होती तो क्या होता, मैं कार क्या करता, मैं नई कार खरीद लेता। तो यहाँ पे देखना, मैंने बहुत बार पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल आपको बताया है कि यहाँ पे कंडीशन बताने वाले सेंटेंस में, कंडीशन जिसमें आपने शर्त बताई है, शर्त क्या है, यदि मैंने पैसे सेव किए होते, बचाए होते, ये कंडीशन है। और इसके बाद में जो आया है ये सेंटेंस क्या आया है, आई ब्लैंक न्यू कार, ये रिजल्ट है इसका। तो रिजल्ट में आप हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हो बच्चों? आप यूज करते हो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंने आपको पहले चीज बता रखी है। तो यहाँ पे देखो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड किस में है, तो आपको बच्चों ये मिलेगा आपके सी ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा, हैड आई सेव्ड मनी आई वुड हैव परचेज न्यू कार। तो ये पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल ध्यान रखना, ये हैड शुरू में आके, हैड शुरू में आके किसका सेंस देता है, इफ का, यदि का इसका मतलब निकलता है, इफ का सेंस देता है। इस चीज को लिख लेना, इफ का सेंस देता है, क्वेश्चन पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपका नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया है, आई ब्लैंक टू द मूवीज विद सम फ्रेंड लास्ट नाइट, और आपको यहाँ पे वर्ब लेनी है। ऑप्शन में दिया हुआ हैव गॉन, वेंट, एम गॉन और एम गोइंग। तो बच्चों आपको टेंस यहाँ पे देखना है कौन सा लगेगा। टेंस आप यहाँ पे पहचान सकते हैं किस से, एडवर्ब से। तो यहाँ पे एक एडवर्ब दी हुई है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट किस टेंस की एडवर्ब होती है बच्चों? जो ये लास्ट नाइट है ये आपके पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। तो पास्ट सिंपल में, ये पास्ट सिंपल की एडवर्ब है, तो और कौन कौन सी एडवर्ब होती है पास्ट सिंपल की? तो बच्चों यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी आ जाए, वो तो ऊपर लिखा ही हुआ है, या फिर अगो आ जाए, फाइव ईयर्स अगो, टू डेज अगो। तो यहाँ पे हम पास सिंपल लेंगे, या फिर आपको इन प्लस टाइम देखने को मिले, जैसे कि इन 2020। ये सारी पास सिंपल की एडवर्ब है। सेंटेंस में अगर आपको इन एडवर्ब में से कुछ भी दिख जाता है तो हमेशा उस सेंटेंस में पास सिंपल टेंस होता है। यहाँ मुझे पास सिंपल टेंस लेना है और सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव सकारात्मक है, ना तो नॉट का यूज़ हुआ है, ना ही क्वेश्चन मार्क है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं पास सिंपल में। तो यहाँ पे जो वर्ब है गो, गो का सेकंड फॉर्म बच्चों वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा बी। नेक्स्ट देखिए, आपका जो टेंथ क्वेश्चन और आपके जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द एरर। आपको यहाँ पे एरर बताने एक सेंटेंस दिया है, तो बच्चों रीड करते हैं और फिर देखते हैं किस पार्ट में एरर है। क्या दिया है, ए इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक है एक, कौन सी है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, दो सिटीज की कहानी, टेल मतलब कहानी, वॉज रिटन बाय, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया, ये बुक लिखी गई, वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास, अलेक्जेंडर ड्यूमास के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे एरर, आई होप आप सबने पकड़ लिया होगा बच्चों किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। और किस चीज़ की एरर है, आपकी आर्टिकल की एरर है, यहाँ पे ए नहीं एन आएगा। मैंने आपको बताया ए और एन लगाने का रूल, तो मैंने बोला जिस भी वर्ड से पहले आर्टिकल लगाना हो, आर्टिकल आया तो नाउन के लिए ही है, बुक के लिए ही आया है, लेकिन जिस भी वर्ड से पहले लगाना हो, इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका प्रोनंसिएशन करके देखना, हिंदी में उच्चारण करके देखना, अगर हिंदी के स्वर की ध्वनि आ जाए, ए आ ई ई ओ औ, अगर इनकी ध्वनि आ जाए तो आपको क्या आर्टिकल लेना है, आपको आर्टिकल एन लेना है, अदरवाइज आपको आर्टिकल ए लेना है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ई से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे यहाँ पे जो आर्टिकल है वो एन यूज़ होगा, ए का यूज़ नहीं होगा। तो बच्चों आई होप आपको ये एरर अच्छे समझ में आई होगी। आर्टिकल का यूज़ मैंने आपको पिछले सेट में भी बहुत बार करवाया है, आई होप आपको ए एन द के यूज़ क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ में यहाँ पे आज का ये जो सेट 8 का पार्ट 1 है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे सेट 8 के पार्ट 2 के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट क्लास,
टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।